सुप्रभात बच्चों, कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम गृह विज्ञान विषय में पढ़ेंगे कमरों के बारे में, कमरे कैसे होना चाहिए और कैसे आगे विभाजित करना चाहिए। कमर पहले पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक की घर का चुनाव कैसे होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि घर को कैसे बनाते हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि परिवार की आवश्यकता के अनुकूल कमरों की योजना बनाना चाहिए, जिसमें पढ़ने के कमरे अलग, खाने पीने के अलग और मित्रों और मेहमानों के बैठने के लिए आदि होना चाहिए। फिर है सबसे पहले आता है यहाँ पर बरामदा। घर के चारों ओर बरामदा उतना ही आवश्यक है जितना कि घर के सामने होना आवश्यक है। घर का सामने होना आवश्यक है जितना उतना ही क्या आवश्यक है, बरामदा। यह प्रत्येक कमरे के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। क्या? प्रवेश द्वार का। मौसम के अनुसार भारतीय घरों में बैठने के कमरे का भी काम करता है। औपचारिक मेहमानों को बिठाया जा सकता है। कमरे का मौसम को उष्णता से बचाया जा सकता है, ठंड कम हो सकती है इससे, ताकि धूप आएगा, धूप से जाएगी तो अंदर तक कमरों में पहुंचे। फिर चौड़ाई 3.5 फीट से 4 फीट तक हो सकती है बरामदे की। आप देखेंगे बैठक रूम या ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, जिसमें हम अधिकतम ज्यादा से ज्यादा समय गुजारते हैं। तो देखिए ड्राइंग रूम में क्या होना चाहिए। मिलने जुलने वालों के लिए घर में अलग कमरा होना चाहिए, जिसे हम ड्राइंग रूम बोलते हैं ना। इसका द्वार घर के प्रवेश द्वार के निकट होना चाहिए, ताकि आने जाने वालों को कमरों से होकर ना जाना पड़े। और कमरे में प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए, हवा आदि अच्छी आनी चाहिए। गृह स्वामी यानी जो भी गृहिणी है, जो भी है, उसके पढ़ने के लिए अलग कमरा ना हो तो इसी का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ये इसका नक्शा बना के बताया है कि बरामदा है ये। फिर ये लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, ये क्या है, ड्राइंग रूम है, जिसमें हम टीवी देख के बैठ के समाचार पढ़ सकते आदि, है ना। फिर आगे हम और पढ़ेंगे रसोई का कैसा होना चाहिए, शयन कक्ष कैसे होना चाहिए आदि के बारे में। यदि स्वयं का मकान बनाना है तो अपने फर्नीचर के आकार के अनुसार बनाया जा सकता है। इसी प्रकाश का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। भारतीय ढंग के अनुसार रसोई घर के साथ निर्माण किया जा सकता। फिर है सोने का कमरा, बेडरूम। यह कमरा परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए, ताकि सारे सदस्य पर्याप्त स्थान पे मिल सके, बैठ सके, सो सके, है ना। फिर जलवायु के अनुसार इसकी दिशा रखी जाती है। वायु प्रकाश की किरणों का आना भी आवश्यक प्रबंध किया जाता है। फिर है गुसल खाना या बाथरूम। स्नान या गुसल खाने में पानी की उचित प्रबंध होना चाहिए, ताकि पर्याप्त स्थान भी हो। और फिर है रसोई घर। गृहिणी का अधिक समय रसोई घर में व्यतीत होता है, अतः इसका प्रबंध अच्छे से होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ सारे सदस्यों के, घर के सारे सदस्यों के लिए गृहिणी भोजन पकाती है, साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य को बनाता जुलाता है। रसोई घर को अधिक से अधिक सुविधाजनक और आकर्षण होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रम एवं समय की ज्यादा से ज्यादा बचत हो सके। पास पास धोने का नल हो, बाजू से बर्तन धोने का हो आदि, ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने अभी क्या पढ़ा, रसोई घर और शयन कक्ष के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे कि भंडार गृह और बच्चों के कमरे के बारे में देखेंगे। भंडार गृह में हम रसोई के सारे सामान रख सकते हैं, जैसे कि गेहूं चावल आदि के लिए भी हमें भंडार गृह की आवश्यकता होती। इसकी दीवार अलमारियां बनाई जा सकती। फिर बच्चों का कमरा, प्राय स्थान ना होने के कारण बच्चों के कमरे अलग कमरे की व्यवस्था नहीं हो
जाने की संभावना। व्यक्ति ये इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहता है, बच्चे लाकर फेंक देते इधर उधर, जमाने का स्थान ना हो, पढ़ने में भी असुविधा होती है बच्चों को और समय नष्ट होता है। यदि स्थान की कमी के कारण अलग कमरा ना मिल सके तो बरामदे या सोने के कमरे में भी काम किया जा सकता है। अब है शौचालय। स्नान गृह के साथ ही आजकल शौचालय की व्यवस्था हो जाती है। यदि वे एक ही कमरे में ना हो तो शौचालय स्नान गृह के निकट भी बनाया जा सकता है और पानी की, वायु की, प्रकाश की व्यवस्था आदि उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि कमरे कैसे होने चाहिए घर में, घर की बनावट की दिशा पढ़ी पहले, फिर घर का चुनाव, सब ये सब पढ़ने के बाद हमने क्या देखा है कि कमरे कैसे होने चाहिए, ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, सोने का कमरा, पढ़ने का कमरा, बच्चों का कमरा, भंडार गृह आदि के बारे में। आपको ये सब कॉपी में लिखना है इसके प्रश्नों के सही, और आगे हम और भी प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे।